राजधानी लखनऊ के यूरोपियन क्लब में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा आयोजित 20वां सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम में 111 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कैंट विधायक लखनऊ माननीय ब्रिजेश पाठक, महापौर संयुक्ता भाटिया, संदीप कांत राजन, पीयूष दीवान, हिमांशु तिवारी, अंकित मिश्रा और संस्था के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के इस भव्य कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभी बटुकों का आशीर्वाद देने हुए कहा कि इस तरह के पुनीत कार्यों में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज सदैव तन मन एवं धन से सहयोग करते रहेंगे। इस गरिमामय कार्यक्रम में के मुख्य सूत्रधार संस्था के अध्यक्ष सीपी अवस्थी जी रहे। श्री अवस्थी जी ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी साथियों के सहयोग से संपन्न हो पाया है, जिनमें देवेंद्र शुक्ला, एमपी दीक्षित, विजय त्रिपाठी, अजय तिवारी, जेपी पांडे, शिव कुमार शुक्ला, दयाशंकर पांडे, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले मैं भगवान श्री परशुराम के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम सभी मना रहे हैं, तो इस वर्ष अखिल भारतीय ब्रह्म समाज 20वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के अवसर पर 111 बटकों का सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं कि 8 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो कार्यक्रम पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां यहाँ पर चल रही थी। कार्यक्रम स्थल पर हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे थे, लेकिन आज सुबह से 7 बजे से सारे यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी रुके हुए हैं और 8 बजे से जितने भी बटुक हैं उनके जो माता जी हैं, पिताजी हैं, मौसी हैं, चाची हैं, उनके परिवार के सारे लोग सबके सब आए हुए हैं। इस अवसर पर जो सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का परिदृश्य हमको देखना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम यहाँ पर देख पाए। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज पूरे वर्ष में प्रमुख रूप से जो कार्य करता है उसमें मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह में आयोजित करते हैं। ऐसे बच्चे जो हाईस्कूल इंटर की परीक्षा को पास करते हैं और 60% से अगर उनके नंबर ऊपर आते हैं, हम उनको मंच पर बुलाते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं, ऐसे बच्चों को सम्मानित करते हैं, साथ उसमें सर्व समाज के बच्चों को सम्मिलित करते हैं। ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं, अगर फीस जमा करने में सक्षम नहीं होते हैं, हम उनकी फीस की व्यवस्था या तो प्रबंधक से मिलकर के करते हैं या हम संगठन से करते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चों के पास पुस्तकों की समस्या होती है तो ऐसी पुस्तकें भी हम खरीदते हैं और पूरा का पूरा कोर्स खरीद कर हम देते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने एक बताया। दूसरा कार्यक्रम आपने देखा सामूहिक रूप से संस्कार का कार्यक्रम यहाँ पर भी चल रहा है। तीसरा सहूलियत सामाजिक समरसता का कार्यक्रम। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज केवल ब्राह्मणों के बीच में काम करता है, इसी की भ्रांति नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हम सर्व समाज की चिंता करते हैं और इसीलिए सामाजिक समरसता का कार्यक्रम होली मिलन का समारोह भी आयोजित करते हैं। इसमें सर्व समाज ब्रह्म समाज में आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अखिल भारतीय ब्रह्म समाज ने मुझे प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी दी है। ब्रह्म समाज में अजय तिवारी जी विगत केवल 2 साल में, जबकि इस पीरियड कोरोना काल भी रहा है काफी कुछ बता, लेकिन इस 2 साल में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की इतनी बड़ी उपलब्धि हुई, शायद किसी भी धार्मिक संगठन को आज तक प्रदेश में इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली होगी। एक छोटी बता दूँ, ये हमारा जेल रोड चौराहा था, ये जेल रोड चौराहा का था, यहाँ पुरानी जेल थी। इस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 2.5 साल तक इस जेल में कैद रहे, उनके नाम पर उस चौराहे का नाम आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चौराहा हो गया। उसके बाद वो रोड जहाँ से जेल रोड से लेकर के जीपों तक जाती थी, उस रोड का भी नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो गया है। और बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति और मंदिर दोनों अखिल भारतीय ब्रह्म समाज ही उसके प्रयास से स्थापित किया जा रहा है। ये 2 साल की उपलब्धियां है मात्र। ब्रह्म समाज के भीतर आप क्या जिम्मेदारी का निर्वहन? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय ब्रह्म समाज में। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज 2000 में स्थापित हुआ था। 22 वर्ष हो गए हैं हमें समाज का कार्य करते हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अवस्थी जी और तमाम पदाधिकारी हमारे बीच में है। 22 वर्षों से हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज का होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि समाज के अन्य जो वर्ग हैं उनको साथ लेकर के और इस निमित्त सबसे पहले हमें अपने जो सत्कर्म हैं, जो अपनी चीज़ें हमारी पीछे छूट रही थी, आजकल यज्ञोपवीत का कार्य लोग शादी विवाह में कराने लगे। हमारे अध्यक्ष जी ने यह पीड़ा उठाया कि नहीं, संस्कार अपने समय पर होना चाहिए और इस नाते लगातार 22 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार आज 111 बच्चों का हमने यज्ञोपवीत संस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष
ये अखिल भारतीय ब्रह्म समाज का हूँ। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज हमारी 2000 में स्थापना संस्था का उद्देश्य है कि पहले हम मजबूत हैं, जब हमारा चूल्हा जलेगा तब हम दूसरे के चूल्हा जलने को सोचें, और ये संस्था दृढ़ संकल्प है कि हम एक न एक दिन समूचे समाज को, क्योंकि हम ब्राह्मण होने के नाते समूचे समाज का नेतृत्व करेंगे और सबको जो है मतलब सामाजिक दृष्टि से सबको एक करके आगे बढ़ेंगे। क्या वजह है समाज लगातार 22 वर्षों से सफल नेतृत्व के कारण आगे बढ़ रहा है? साल के मेधावी छात्र सम्मान हो, चाहे वो यज्ञ कभी हो, ऐसे कई सामाजिक दृष्टि से जो अच्छे कार्य हैं, ये साल भर अखिल भारतीय समाज लगातार में भी इस शुभ अवसर पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और सभी अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय सी पी अवस्थी जी, महामंत्री देवेंद्र शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर बधाई है और धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने लोग, इतने सामाजिक लोगों को जोड़ के इतना बड़ा परोपकार का काम करना। ब्रह्म समाज द्वारा अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, नगर निगम का क्या सहयोग है? आप इस कार्यक्रम में पहुंची भी हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम है जी। पहले सबसे पहले तो ब्रह्म समाज की बहुत बहुत बधाई जी। प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और इस बार भी आपने कार्यक्रम किया, इसमें बच्चों को एक साथ हमारे 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में एक संस्कार जो कोई संस्कार भी है और ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, धर्म के इससे हम अपने आप को जोड़ता है और हमारे उन बच्चों को एक अधिकार देता है चले के बाद इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप इस कार्यक्रम में समय निकाल के आए, क्या वजह रही है? ये हमारा ब्रह्म समाज के साथ मेरा भरोसा से जुड़ाव रहा है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें हमेशा अध्यक्ष हो, महामंत्री जी हों या पूरी टीम हो, उन सबका मुझे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ये हमारे समाज के बच्चों का, नगर के बच्चों का कार्यक्रम है और बच्चों के कार्यक्रम के में माँ का होना अति आवश्यक है, तो मैं बच्चों की माँ के आपको आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ और आशा करती हूँ इसी तरह से हमारे ये कार्यक्रम करते रहेंगे। ब्रह्म समाज बहुत सारे सुंदर कार्य कर रहा है, इन कार्यों में कार्य भी कर रहा है, आगे इसी प्रकार से बहुत सुंदर कार्य करता है। देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।